Subscribe the biology channel and press the bell icon. Microscope आपको पता है, माइक्रोज मिक्रोज मीन स्मॉल, स्कोपिन मीन्स टू सी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की तीन अकसाम हैं। नंबर वन लाइट, नंबर टू एक्सरे और नंबर थ्री इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब देखें कि इन तीनों माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है वो मुख्तलिफ है, देखने की जो सोर्स है जिसको आप इल्यूमिनाइजेशन कहते हैं वो मुख्तलिफ है। तो सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इल्यूमिनाइजेशन की बात करेंगे तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें लाइट इज़ द सोर्स ऑफ इल्यूमिनाइजेशन। एक्सरे माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इसमें एक्सरेज वेव्स होते हैं, शॉर्ट लेंथ के वेव्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द सोर्स ऑफ इल्यूमिनाइजेशन। जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको देखने के लिए जो सोर्स यूज़ की जाती है वो एक्सरे है। अच्छा, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक कंपाउंड होती है और एक माइक्रोस्कोप सिंपल होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस बहुत सारे लगे हुए होते हैं और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसमें ऑप्टिकल लेंस एक लगा होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनाइजेशन है इसमें है इलेक्ट्रॉन की बीम। इलेक्ट्रॉन की बीम मीन्स वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज़ किए जाते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर माइक्रोस्कोप की हम करेक्टर को देखें या इनकी एट्रीब्यूशन को देखें, एट्रीब्यूट या करेक्टर की हम बात करें तो इसके तीन मेन करेक्टर हैं। नंबर वन मैग्निफिकेशन, नंबर टू रेजोल्यूशन, नंबर थ्री कंट्रास्ट। जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का काम है कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी साइज़ को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके मुफासले को कम कर देता है, डिस्टेंस को ये कम कर देता है। कंट्रास्ट की बात करेंगे तो कंट्रास्ट में आप डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं एक पार्ट दूसरे पार्ट से। अगर सेल में आप कंट्रास्ट को यूज़ कर रहे हैं तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है, जो एक ऑर्गेनल है उसको दूसरे के साथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस इन बिटवीन टू पार्ट्स।